संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं ललित माथुर आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरु जी कि आपने आज मुझे मौका ये दिया ये छोटी सी सेवा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का भी। गौरव अंकल का, बड़े मंदिर आश्रम के सब सेवादार, सब ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है। गुरु जी की असीम कृपा का वर्णन करने के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु जी की महिमा की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। वो एक बहुत सुंदर सा जो भजन है वो मुझे लगता है कि वेरी ब्यूटिफुली सम्स अप हमारी जो सारी फीलिंग्स है गुरु जी के लिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा बार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये गुरु जी तो हमारे लिए भगवान रूप है। वो साक्षात भगवान के रूप में आए थे हमारे लिए। बिल्कुल ही गॉड इनकार्नेट, शिव जी हैं वो तो, बिल्कुल सुप्रीम पार्ट। भगवान के अलावा तो कोई भी नहीं कर सकता जो गुरु जी ने हम सबके लिए किया है। और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। हम सब ने गुरु जी के इतनी सुनी है, इतनी उनकी कृपा सुनी है, कैसे इतने लोगों पे उन्होंने अपनी कृपा बख्शी, ऐसे भयंकर से भयंकर बीमारियों से उन्होंने निकाला, किसी का कैंसर का, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, पार्किंसन, अस्थमा, डिप्रेशन, चाइल्डलेस कपल्स के बच्चे हुए, तरह तरह के कष्ट का निवारण किया गुरु जी ने, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब्स, एक्सीडेंट, एंडलेस लिस्ट है। मैं आज सुनाना चाहूंगी जो गुरु जी ने हमारी परिवार पे असीम कृपा बरसाई, उसको वो थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इतना गुरु जी ने किया है कि वो सब कुछ जिक्र करना बहुत असंभव है। फिर भी हम गुरु जी की शरण में 1995 में आए थे। हमारे फादर को कैंसर 94 में डिटेक्ट हुआ था, तो उनकी सर्जरी 94 में हुई और उनको सर्जरी के बाद वो यूजुअल कीमोथेरेपी सब चल रही थी, तो उन्हें बहुत ये चिंता रहती थी टू कीप ब्रूडिंग के मेरा स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए थे। बुआ भी हमारे ग्रैंड अंकल को, कजिन, बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, तो वो भी इसी चिंता में रहते थे कि मेरा फैल जाएगा। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने हमारे फादर से कहा कि हमारे गुरु जी हैं वो कैंसर क्यों कर देते हैं, तो आप अगर चाहें तो उनके दर्शन कर लें। तो हमारे फादर ने कहा जरूर जाएंगे। तो हमारा छोटा भाई वो ले गया गुरु जी के पास। तो उसी दिन गुरु जी की इतनी वो कृपा थी कि उसी दिन उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद भाई से कहा कि वो पान के पत्ते थोड़े से ले आना, तो फादर को ब्लेस करेंगे। तो उन्होंने बस गुरु जी ने थोड़ी देर के लिए अपना वो जो उनका ट्रीटमेंट रूम था छोटे मंदिर में, ग्रेटर कैलाश मंदिर में, वहां लिटाया एंड वो उनके पत्ते रखे आधा घंटे और ब्लेस कर दिया, ये जाते कल्याण की था। एंड ये देखिए ये 95 की बात है और ही लिव्ड फॉर 17 इयर्स आफ्टर दैट। एंड ऑफ कोर्स अब ओल्ड एज अब हम सबको ही एक ना एक दिन तो रहना ही है, तो वो तो 17 इयर्स, बट ही सर्वाइव एंड दैट कैंसर डिड नॉट रिकर। तो इतनी गुरु जी की कृपा उन पे रही। तो जब पहली दफे जिस दिन हम माय फादर गए थे, तो गुरु जी ने उनसे कहा कि आपकी बेटी की बेटी को प्रॉब्लम है तो उनको जरूर लेके आए। एंड आपके सन इन लॉ के वो सब उनको पता था कि कहाँ पे पोस्टेड है और सब, तो उनको उनको लेके आइए। तो जब मुझे फादर ने बताया तो मैं तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। आई सेड ऐसे कोई महापुरुष बुलाएंगे, बुला रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे। हस्बैंड मेरे थोड़े हेजिटेंट थे कि जब तक इसकी सारी ट्रीटमेंट हो रहा था एम्स में, तो इसके आई सर्जरीज हो चुकी थी चार, हमने सारे पेपर्स इसके भेज चुके थे, शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, तो इसके सारे पेपर्स भेज दिए थे, तो सब वो बाहर भी, तो दे ऑल सेड के व्हाट वाज बीइंग डन एट एम्स वाज द बेस्ट, देयर वाज नथिंग एल्स दैट एनीवन कुड डू। तो ही वाज वेरी स्केप्टिकल कि क्या होगा, अब तो सब कुछ इसका हमने सर्जरी वगैरह करा ही लिए, लेकिन हम फिर भी आई इंसिस्टेड, हम गुरु जी के गए।
तो गुरु जी तो बहुत ही इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन यू नो वट वन एक्सपेक्ट नॉर्मली अ गुरु टू बी लाइक. हमारे जो सब फैमिली गुरुज थे वो कोई सिडेट वाइट पहनता, कोई गेरुआ एंड वेरी ऑस्टियर लुकिंग एंड वो सब. अब गुरु जी के गए तो वो इतने रेडियंट, इतने ग्लोइंग, लविंग, अप्रोचिंग, इतने बहुत वेरी अप्रोचेबल, बहुत ही इतने मैग्निफिसेंट लग रहे थे वो. बहुत ही मुझे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फर्क लगा. तो उस टाइम पे ग्रेटर कैलाश मंदिर में बहुत कम लोग होते थे, बहुत छोटा सा था वो. तो गुरु जी अपने हाथ से अमृत मैंने पिलाया, फिर प्रसाद अपने हाथ से दिए. तो उन्होंने हमसे हमें 5 दफे बुलाया. कभी जैसे जैसे वो कहते रहे हम करते रहे. कभी उन्होंने कहा अगले दिन आने को, कभी 2 दिन बाद. तो जैसे जैसे उन्होंने कहा हमने वही किया. और उन्होंने आई थिंक वो मे बी ही वॉन्टेड टू गेज के कितनी फेथ है क्या है. फिर जब 5वीं दफे गए तो उन्होंने हमारी बिटिया को ब्लेस किया और बहुत सिंपल सा उपाय बताया. उन्होंने कहा इसको सुबह कहना कि सूर्य प्रणाम कर ले, वो सिर्फ 11 दफे. तो ये भी बहुत, इसने भी बहुत डिवोशन से जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वो किया. उन्होंने कहा 51 डेज कर ले. और 21st डे पे शी स्टार्टेड सीइंग दैट शी सॉ बेटर. तो बहुत हम तो बहुत खुश. फिर गुरुजी पंजाब चले गए थे तो हमें पता चला कि वो चंडीगढ़ में है. तो 2 दफे हम 96 में भी, फिर 97 में भी 2 दफे हम चंडीगढ़ गए गुरुजी से मिलने के लिए. और वन इज सो ग्रीडी के गुरुजी और थोड़ा ठीक कर दीजिए, और ठीक कर दिए. तो उन्होंने ये कहा कि मैं दिल्ली आके ब्लेस करूंगा. तो हम वापस आ गए. फिर आई रिमेम्बर कि बैसाखी वाले दिन 98 में मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं स्कूल टीचर आई वॉज. तो वो स्कूल से वापस आई तो घंटी बज रही थी फोन पे. तो मदन लो सिटिंग देयर. तो आई हैपन टू रीच, जैसी घुसी तो मैंने फोन उठाया तो गुरु जी का फोन था. गुरु जी बोल रहा सो थ्रिल के गुरु जी फोन करें कि शाम को आ जाना एम्पायर स्टेट और वो बैसाखी का फंक्शन है. तो बहुत एक्साइटेड हम लोग पहुंच गए. और बस फिर तो बहुत ही आनंद आता था. फिर गुरु जी 98 से तो यहाँ पे थे एम्पायर स्टेट में. तो हमारा और इतने अनडिमांडिंग थे, सिर्फ कहते थे हफ्ते में 1 दफे आ जाना एंड कोई ऐसा डे भी नहीं फिक्स किया था, बस किसी भी दिन आ जाना. तो फिर हम अपने रेगुलरली जाने शुरू हो गए. और फिर मैं गुरुजी को पेस्टर करने लगी, गुरुजी आपने कहा था दिल्ली में आके हम लाइफ करेंगे तो अब इसकी इसके ऊपर और कृपा करिए. तो इस तरह से उन्होंने कहा हाँ हाँ करेंगे करेंगे. तो फिर ये बैसाखी अप्रैल की बात है. फिर जून में उन्होंने एक दिन कहा कि मैं परसों आऊंगा, घर आके इसको ब्लेस करूंगा. और बहुत एक्साइटेड उन दिनों में. इतने हमने आई थिंक उससे पहले कोई घर पे सत्संग भी नहीं अटेंड किया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. बट गुरुजी इतने अंडरस्टैंडिंग थे और इतना सब सब समझते थे कि किसकी कितनी वो है कैपेसिटी है या जो भी. तो वो औकात, तो वो गुरुजी ने कहा कि बस बिल्कुल सिंपल से चाय और कड़ा प्रसाद और कुछ लोगों को बुला ली. तो बस जैसे गुरुजी ने कहा वैसे हमने कहा. मुझे पता था, चला किसी ने बताया कि गुरुजी को पकौड़े पसंद, तुमने पकौड़े बनवा लिए. तो बस गुरुजी आए. और वो तो मैं कभी अपनी जिंदगी में भूल ही नहीं सकती. इतना वो डिवाइन एक्सपीरियंस था कि उसको तो उसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है. ये हम अपनी बिटिया को एक स्पेशल स्कूल भेजते थे तो वहां पे मतलब कुछ थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और पढ़ाएं. वो स्पेशल स्कूल में तो बड़ा ही बेसिक एलिमेंट्री सा होता है. तो कुछ ऐसा मन में आया कि इसको ओपन स्कूल से करा देती हूँ. तो एक हफ्ते पहले हमारे पास वो ओपन स्कूल की बुक्स आई थी. और वो आपने जिसने भी वो किताबें देखी तो इट्स अ वेरी वेरी फिनोमिनली स्मॉल प्रिंट. वो जैसे न्यूज पेपर प्रिंट होता है उतना छोटा. तो वो आई तो इसमें देखा तो इसने कहा कि ये तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ. हम इसको इंकरेज करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो ये हेडलाइन पढ़ लेती थी और न्यूज आइटम नहीं पढ़ सकती थी. बट उस जिस दिन गुरु जी आए हैं उस दिन सुबह हम बैठे हुए थे. हमारी मदर इन लॉ जिठानी थी वो भी रुक गई थी रात को गुरु जी के उसमें एक्साइटमेंट में. रात को जब शाम को गुरु जी वापस गए तो वो हम सब बैठे चाय पी रहे. तो ये इसने पूरी न्यूज आइटम सुना दी बिटिया ने.
मुझे लगा कि ये शायद टीवी पे सुन रही है और ऐसे रिले कर रही है, क्या कर रही है। फिर मैंने कहा क्या, कहाँ से वो कर रही है? तो इसने दिखाया कि ये तो न्यूज़पेपर में से, जो ये मतलब एक दिन पहले तक भी नहीं पढ़ पा रही थी छोटा प्रिंट, वो इसने पढ़ के सुना। हमने कहा ये क्या फ्लूक हो गया। फिर इससे किताब मंगाई इसकी, जो वो ओपन स्कूल की, इसने वो भी पढ़ के सुना दी। तो देखिए गुरु जी का ओवरनाइट कितनी असीम कृपा, के वो जो ये नहीं कर पा रही थी, मतलब इतना छोटा प्रिंट था, बिकॉज और रेटिना वॉज डैमेज, तो इसका वो बहुत छोटा प्रिंट, ये काफी मुझे इसकी टेक्स्ट बुक इनलार्ज करना करवानी पड़ती थी, और A5 शीट पे काफी मैग्निफाई करके फिर ये पढ़ती थी। और ये उस दिन देखिए इतना छोटा प्रिंट इसने पढ़ के दिखा दिया। इससे ज्यादा हम गुरु जी की क्या वो करें कि इतना इतना बड़ा। और गुरु जी बहुत ठीक कहते थे, वो कहते थे कि मेडिकल साइंस फेल हो गई, कि मैंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। वाकई में कुछ एम्स के डॉक्टर वेरी वेरी कमिटेड लॉट, एंड वन रियलाइजेस दैट दे डिड देयर मैक्सिमम, एंड बहुत ही बढ़िया तरह से इसकी सब वो केयर करते थे। लेकिन मतलब वो ये कहते थे कि मैक्सिमम जो आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि थोड़ा अगर चल ले और ऐसे स्टम्बल ना करे, तो यू शुड बी ग्रेटफुल, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर आउट ऑफ हर। बट ये गुरुजी ने तो इतना करके दिया है इसके लिए कि हम तो सारी उम्र शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो सच्ची मेडिकल साइंस से कितने आगे चले गए कि इसकी विजन इम्प्रूव इतनी करा दी ड्रामेटिकली आफ्टर, तो इतनी उन्होंने जो कृपा, इतनी इसको जो ब्लेस किया, मतलब मिरेकल तो इज अ वेरी स्मॉल वर्ड टू पुट डाउन व्हाट ही डिड फॉर हर। अब इतना ही कृपा रही, इतना कॉन्फिडेंस इसको भी और मुझे भी आ गया कि इसने कहा, तो स्पेशल स्कूल में पढ़ती थी, फिर इसने 10th 12th अपना BSW किया, MSW किया, BEd इन स्पेशल एजुकेशन, ऑल विद द फर्स्ट डिवीजन ऑल थ्रू। मतलब कहाँ कोई बच्चा मेडिकल उसमें जा रहा है स्पेशल उसमें, और वहां गुरुजी कहाँ से कहाँ इसको ले गए। और फिर अब ये वर्क करती है स्पेशल एजुकेटर, तो वो कहते थे देखी चल, और सच में हम तो देखते ही रह गए कि इतनी इतनी गुरु जी की कृपा, कि इतनी मतलब सारी इतनी हमें, जब ये शी वाज द फर्स्ट बॉर्न, तो इतनी डिप्रेस्ड में रहती थी, इतनी अपसेट रहती थी कि इसका क्या होगा, इसके कैसे होगा। मगर गुरु जी ने इतना इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी मतलब एक तो एक्सेप्ट करवाया जो भी प्रॉब्लम था, और फिर स्ट्रेंथ दी इसको भी और हमें भी, हमें सबको, पूरी फैमिली को, टू फेस इट एंड हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम। इतनी हिम्मत दिलवाई कि इसको हम भी इसको सपोर्ट करते रहे, और इसने खुद में भी इसमें इतनी ताकत आई, इतनी शक्ति आई कि ये सारा अपना पढ़ लिख के इसने इतना कुछ कर लिया। सब सब गुरु जी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। इतना इसने जो अचीव कर लिया, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था, मतलब अगर एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं तो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पॉसिबल इट वुड हैव बीन व्हेन दे सेड कि यू नो इफ शी डजंट स्टंबल तो बस आप सोचिए बहुत हो गया। वहां से कहां गुरुजी ने इसको पहुंचा दिया। बहुत बहुत गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सारे परिवार पे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दर्शाई। माय हस्बैंड के 3 दफे बहुत ही स्केरी एक्सीडेंट्स हुए। सबसे पहला 2001 में था, अगर आप लोगों को ध्यान है कि वो 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। तो उस दिन इनको किसी से मिलने जाना था पार्लियामेंट हाउस, तो जब वो वहां पहुंचे तो वो जो दरबान खड़े थे दरवाजे पे, उन्होंने कहा कि सर आज पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है, तो आपका कोई पॉइंट नहीं जाने का। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से मिलना है, मुझे हाउस में नहीं जाना। एंड दोज वर द लास्ट वर्ड्स दैट ही स्पोक दिस पुअर दरबान, बिकॉज जैसे ये अंदर घुसे और वैसे ही वो शटर डाउन हो गया, वो गेट बंद हो गया, एंड दिस पुअर दरबान वाज द फर्स्ट वन टू हैव बीन शट डाउन। उस दिन 7-8 कैजुअलिटीज हुई थी, टेररिस्ट ऑफ कोर्स वर कॉट, बट मतलब ऐसा गुरुजी ने बाल बाल बचाया कि ये अंदर घुसे और एकदम से, फिर जैसे ही वाज वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो सारे दरवाजे बंद होते रहे, एंड देयर वाज ही कुड हियर फायरिंग। तो ही थॉट कि वहां बंदर बहुत होते हैं, तो वो एयर गन से शायद चेज कर रहे होंगे, तो डिडंट रियली गिव इट एनी थॉट। एंड जब वहां पहुंचे तो देन आई थिंक टीवी न्यूज में आ रहा था,
एंड पुअर जेंटलमैन हुम ही हैड टू मीट, उनके पास एक और विजिटर थे, वो तो डर के मारे चंदे इसके नीचे ही चुप गए थे. तो यू नो इट वाज, एंड फिर वो जामर्स लग गए, तो 7-8 घंटे हमें कुछ नहीं पता चला कि क्या हो रहा है. ये तो पता चल गया था कि पार्लियामेंट में अटैक हुआ है, मगर वही गुरु जी जब रक्षा करने वाले हैं तो हमें चिंता करनी नहीं चाहिए थी, मगर रही चिंता जब तक फोन नहीं इनका आया कि सब ठीक है. तो ऐसे बिल्कुल ही जैसे बाल बाल बचे. ऐसे फिर एक दफे हस्बैंड हैदराबाद गए थे ऑन ऑफिशियल वर्क, तो वहां पे टैक्सी से वारंगल जाके वापस हैदराबाद आ रहे थे. तो वो टैक्सी का बहुत ही भद्दा एक्सीडेंट हुआ, एक हेड ऑन कोलिजन हो गया अशोक लेलैंड ट्रक से. इतना इट वाज सो बैड द टैक्सी हैड कंप्लीटली क्रम्पल्ड एंड बिल्कुल जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी को फेस करने लगी. बट ये गुरु जी का कमाल कि फॉर 10 मिनट्स ही सेज दैट ही जस्ट डोज्ड ऑफ. तो इन्हें तो पता भी नहीं चला. एंड एवरीबडी द ड्राइवर, देयर वाज अनदर ऑफिसर सिटिंग इन फ्रंट, सबको गुरुजी ने बचा लिया. इतना भद्दा एक्सीडेंट था कि जो विलेजर्स इकट्ठे हुए आसपास, उनको लग रहा था इसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा. एंड बाय द टाइम देयर वाज अनदर जीप कमिंग बिहाइंड देम, तो वो आए तो उनको भी बहुत फिक्र कि भाई किसी चोट तो नहीं लगे वो सब. बट दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल एट हैदराबाद एंड सारे MRI वगैरह सब स्कैन वैन हुआ, तो सब गुरुजी ने बिल्कुल ठीक रखा. सिर्फ जो एक गुरुजी ने ब्लेस करके दिया था ओम, और वो चेन वो जरा सी स्नैप करके पटीनी की झोली में गिर गई थी. एंड एक बिल्कुल आगे जरा सा टूथ आगे से थोड़ा सा चिप हुआ, दैट वाज इट. बाकी कुछ भी, किसी को, तीनों में से किसी को भी कोई कोई तकलीफ नहीं आई. ऐसे गुरुजी ने बचा लिया. तो उस देखते जब मैं गई मंदिर गुरुजी को थैंक यू करने, तो इवन बिफोर आई कुड से एनीथिंग, तो गुरुजी ने पहले दूर से आते देखा बचा लिया. तो ऐसे वो तो अंतर्यामी ने तो सब पता रहता है, उन्हें क्या हम बताएंगे, उन्हें तो पहले ही से पता, वही तो बचाने वाले वही थे, तो उन्हें तो सब मिनट टू मिनट पता रहता है हमारा. फिर तीसरा एक ये श्रीनगर में पोस्टेड थे होम सेक्रेटरी थे, तो वेरी फूलिशली शाम को ये सैर करने निकल गए. इट वॉज गेटिंग टू बी अ लिटिल डार्क. वो गोल्फ कोर्स था, बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया था, तो उन्हें सेफ है, तो वहां पे वॉक कर रहे थे. तो थोड़े इनको लगा कि कोई एक फरी सा एनिमल आ रहा है. तो इन्होंने सोचा कि ये तो इतना प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे कैसे डॉगी कैसे अंदर घुस गया. जब वो पास में आया तो देखा कि वो तो लेपर्ड था, एंड वो अपनी ऐसे टेल स्विश कर रहा रेडी टू पाउंस. तो इन्हें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या करें. और फूलिशली वो मोबाइल भी अपना शायद वो सिक्योरिटी पे बाहर ही छोड़ गए थे, तो ये वापस उल्टा चलने लगे. एंड ही हैड दिस क्रीपी फीलिंग कि वो नेप ऑफ द नेक पे कहते हैं अटैक करता है लेपर्ड, कि अब ये अटैक करेगा. मगर गुरुजी बचाने वाले तो कुछ भी नहीं हुआ. गुरुजी कहते थे शेर वाली कहानी सुना. तो ये बहुत ही गुरुजी ने ये 3 दफे इतने स्कैरी स्कैरी एक्सीडेंट से इनको बचाया. 2015 में इन्हें हार्ट अटैक हुआ और इनकी 2 आर्टरीज बिल्कुल 80% ब्लॉक थी. और ये बहुत ऑब्स्टिनेट है. तो जिस दिन इनको, आई रिमेम्बर इट वाज अ फ्राइडे, तो थोड़ा सा कहने लगे कि मुझे जरा सी ऐसे एसिडिटी सी लग रही है, तो वो यूजुअल हमने डाइजीन वाइजीन दी. देन वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, तो मैंने उससे फोन करके पूछा. उसने कहा कि नहीं नहीं फॉरन ले जाओ, ECG वगैरह करवा दो. तो बट ये तो मानी नहीं कि नहीं नहीं व्हाट डू यू थिंक, मेरे मेरे कुछ नहीं हुआ है, मैं आई एम ओके और सुबह तक ठीक हो जाएगा. एंड वो इसका डाइजीन का इंजेक्शन भी लगाया, उससे भी नहीं ठीक हुआ, बट ये नहीं माने. फिर अगले दिन, अब हमें दुख दुख तो लग रही थी कि भाई ने कहा था कि दिखा दो. अगले दिन फिर हम कुछ बहाना बना के हमने कहा नहीं चलो ब्लड प्रेशर चेक करवा लेते हैं. और फिर मैंने बच्चों से कहा कि ले जाओ, बिकॉज इफ आई कम अलॉन्ग फिर ये हील स्मेलर रैट के कुछ और करवाने वाले हैं. तो बच्चों के साथ ही भेज दिया. फिर मेरे बेटे का वहां से हॉस्पिटल से बोला फौरन आ जाओ. एंड मतलब इतना गुरुजी सब बचा लेते हैं कि उस वक्त जब इनका ECG हुआ, तो तभी वो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो ये तो अटैक आ रहा है और आप इनको फौरन मतलब ये तो एडमिट कराइए और ये सब. तो ये हमारे घर के पास ही बहुत छोटा सा वो था, तो हमें लगा कि नहीं यहाँ तो ठीक नहीं रहेगा, तो ये वी शुड टेक हिम टू अ बिगर प्लेस.
पहला ध्यान तो हुआ है कि दिल्ली ले जाए, गुड़गांव हम शिफ्ट कर गए थे, बट देन एवरीबडी एडवाइस कि नीड शुड बी समथिंग क्लोज। अब ये देखिए कि जो वहां पे डॉक्टर थे जो इस छोटे वाले क्लिनिक में, देयर वाज अ लेडी हु वाज सो अंडरस्टैंडिंग, मैं तो एकदम से घबरा गई। उसने कहा देखिए आप घबराइए नहीं, मेरे सीनियर है यहाँ पे पारस हॉस्पिटल में, आई विल फिक्स अप एवरीथिंग फॉर यू, डोंट वरी, बट डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ गोइंग टू दिल्ली, यू कांट, यू यू हैव टू टेक हिम समवेयर क्लोज। तो पारस इज ऑल्सो ऑन द सीजीएचएस पैनल। तो हमने कहा ठीक है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि यू नो दिल्ली या गुड़गांव जैसी बड़ी बड़ी जगह में हॉस्पिटल्स में इतना बुरा हाल है, नोबडी केयर्स अबाउट यू, बट वहां पे गुरुजी ने ऐसा लाइनअप करवा दिया कि द डॉक्टर वॉज वेटिंग एट द इमरजेंसी डोर फॉर हिम टू कम, और बिल्कुल विद इन अ मिनट और टू ही हैड टेकन हिम, ही डिड द ईसीजी अगेन एंड ही सेड कि ये इनका वो करना पड़ेगा, ये इको वगैरह सब करना पड़ेगा, एंड देन ही सेड कि नहीं ये ही माइट नीड स्टेंट एंड ये आर्टरीज इनकी ऐसे ब्लॉक लग गई, तो एंजियोप्लास्टी फौरन करनी पड़ेगी। तो गुरु जी ने तो हमें इतना फेतर नहीं था, नहीं अब गुरु जी ने इतना सब इंतजाम ठीक से कर दिया है, तो वी जस्ट ट्रस्टेड दिस डॉक्टर, नहीं अब गुरु जी देखने वाले हैं और वो ही सब करेंगे। सो यू नो विद इन हाफ एन आवर वो एंजियोग्राफी भी हो गई, ही जस्ट आस्क्ड अस कि वो कौन, दो तीन तरह के स्टेंट्स होते हैं कि आपको चूज कर लीजिए कौन सा ये वो, तो वो भी हमने अपने भाई से पूछ के जो भी वो बताया उन्होंने तो वो कर दिया। तो विद इन हाफ एन आवर ऑल दैट वॉज डन, 80% ब्लॉकेज थी दो आर्टरीज में, बट दो स्टेंट लग गए, बट गुरु जी की कृपा से इन्हें तो पता भी नहीं चला। ये कह रहे हैं कि इतने डॉक्टर्स भी इतने चैटी से थे एंड इतने स्मूथली उन्होंने सब किया कि ये बातों बातों में सब हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं लगने दिया कि कुछ तकलीफ थी। तो इतना सो ग्रेटफुल कि गुरु जी ने इतनी इतनी समस्या, अगर अगर प्रॉब्लम आते हैं तो वो तो फौरन तो सोल्यूशन वो सॉल्व ही कर, सोल्यूशन क्या वो तो सॉल्व ही कर देते हैं हमारे लिए, तो पता ही नहीं चलता है कि अगर वो है तो इतनी हम लोग को ज्यादा गुरु जी में वो हो गई है कि कोई अब वो नहीं लगता है कि कुछ भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो ही इज देयर फॉर अस, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर अस एंड ही स्टिल इज ऑलवेज अराउंड, कुछ आगे से आगे ही हमारा पहले से पहले ही वो सब चीज का समाधान कर देते हैं। ऐसे बेटे का भी हमारे दो दफे बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुए। एक दफे वो कॉलेज में था, 2006 की बात है, मोटरसाइकिल पे अपने राइडिंग ब्रिलियन फ्रेंड के साथ कॉलेज से, द फ्रेंड वाज ड्रॉपिंग हिम होम, तो वो इनके कॉलेज के बाहर ही इन्होंने यू टर्न लिया, तो पीछे से मारुति कार केम एंड यू नो क्रैश्ड अगेंस्ट द कार एंड ये लोग, ये बेटा मेरा वो पेवमेंट पे गिरा और ये हिट द पेवमेंट एंड इतना वो सीरियस वो था कि यू नो इट वाज जस्ट गुरुजी जस्ट सेव्ड हिम बाय अ हेयर्स ब्रेथ फ्रॉम अ पॉसिबल पैरालिसिस। वो डॉक्टर ने कहा कि अगर एक भी हेयर ब्रेथ इधर लेफ्ट साइड पे होता तो इसकी वो नेक वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती। तो ऐसे क्लोज इनकाउंटर्स में गुरुजी ने बचाया है। और एक दफे ये वापस आ रहा था फ्रॉम वर्क, तो कोई रात को 10:30-11 हम लोग दिल्ली में कर रहा था वर्क और गुड़गांव आ रहा था, तो आई डोंट नो ही वाज ओवर स्पीडिंग या क्या हुआ, तो वो कार जो थी तो 3 समरसॉल्ट ऐसी कलाबाजी खा गई और फिर बिल्कुल सीधी जाके खड़ी हो गई, और जो पीछे कुछ बच्चे आ रहे थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने लगा कि ये तो ड्राइवर नहीं बचेगा, बट फिर गुरुजी साथ में है तो वो उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि आंटी आप परेशान मत होइए, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया बेटे का आपका, बट यू आर ब्रिंगिंग हिम होम, एवरीथिंग इज ओके, द कार ऑफ कोर्स इट वाज कंप्लीटली डैमेज बट बेटा ठीक है। तो ये सब कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकते, तो गुरुजी की असीम कृपा है। मतलब उसके देखिए ऐसे गाड़ी घड़ी सारे शीशे वीशे सब टूट गए थे, मगर उसके सिर्फ हाथ पे थोड़ी सी स्क्रैचेस थे, वो मुझे आधा मिनट भी नहीं लगा घर पे उसको डेटॉल से वाइप करने में, कुछ भी नहीं, मतलब नॉट इवन जस्ट अ माइनर ग्रेज, कुछ भी नहीं, ऐसे गुरुजी बचाते हैं। 2011 में मेरा भी बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। हम लोग जब गुड़गांव में थे तो दिल्ली स्कूल मेरा जहाँ पढ़ा रही थी तो दिल्ली में था, तो टैक्सी से जाती थी, उसमें बच्चे भी थे हम भी, तो उस दिन एक नया टैक्सी ड्राइवर आया, तो वो मतलब जो हमारा रेगुलर था उसका भतीजा था, तो वो ही वाज स्पीडिंग अ लॉट, तो मैंने उसको
तीन चार दफे टोका कि हम टाइम पे है, आप जल्दी देर मत चलाओ, मगर वो नहीं माना। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास वो ये हैबिटेट सेंटर सॉरी तो उसके पास में जो वो लोधी रोड पे दैट फेटल क्रॉसिंग, वहां पे उसने ही जंप द रेड लाइन और उधर से वो रेड लाइन आ रही थी बिल्कुल तो उनकी हाइड्रोलिक ब्रेक वो तो ठीक आ रहा था एंड ही क्रैश्ड अगेंस्ट दिस टैक्सी। और ये टैक्सी वेन रीलिंग पता नहीं 1.5 किलोमीटर आगे जाके रुकी होगी। तो जब रुकी तो बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा था माय बैक हैज गॉन बिल्कुल। एंड उधर से वो आई कुड सी दैट बस कमिंग एंड ये बहुत ही लगा, मैंने कहा दिस इज द एंड। और उधर से बच्चे गेटिंग हिस्टेरिकल वो चीख रहे। तो जब टैक्सी रुकी जाके तो वन जेंटलमैन केम फॉरवर्ड, तो उन्होंने कहा कि मैम हाउ आर यू, तुमने कहा मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो लगता है मेरी बैग थी, बट जरा प्लीज बच्चों को चेक कर लीजिए। तो वो उन्होंने देखा कि नहीं बच्चे तो ठीक है। और ये टैक्सी भी इतनी बुरी तरह से बैशअप हो गई थी, सारे उसके डोर्स ऑल केव्ड इन, डोर्स विंडोज शीशे सारे टूट गए, जैम हो गए, दरवाजे खुल नहीं रहे। और तो वो कहने लगे कि हाउ कैन आई हेल्प यू। वहां से मूलचंद बिल्कुल पास था, मैंने कहा मूलचंद हॉस्पिटल में आपको ले जाऊं। तो मैंने कहा नहीं, हमें मूलचंद ने RML हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो वो अगर इफ यू डोंट माइंड इफ यू कैन टेक, आई मीन इट वाज अनरीजनेबल ऑफ मी, बट वो पता नहीं उस वक्त क्या ध्यान था कि वो डॉक्टर ये जो हम बताए थे जो बेटे को भी अटेंड किए थे हस्बैंड को भी, तो वो बहुत हमारे पुराने जान पहचान के थे। तो मुझे ये जरूर सबको ऑर्थोपेडिक की कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो जरूरत उन्हीं की पड़ेगी, तो वहीं ले जाए। तो पुअर मैम गॉट हिज कार आउट एंड ही सेज कि मैं ले जाऊंगा। और उनके जो फर्स्ट वर्ड्स थे वो दे वर अमेजिंग। जब वो उन्होंने ना जब पूछा, मैंने कहा बच्चों को देख लिया सब, उसके बाद में मेरे से वो कहते हैं कि मैम व्हाई आर यू वरीड, अब तो गुरु जी के पास जाती हैं, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। आई मीन इट इज सो अमेजिंग हाउ अ स्ट्रेंजर, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर दैट, आई हैव नेवर सीन हिम आफ्टर दैट, आई थिंक वो गुरु जी ही आ गए थे मुझे बचाने के लिए। एंड हाउ केन अ स्ट्रेंजर नो दैट आई गो टू गुरु जी। हम गुरु जी ने एक पेंडेंट दिए थे हमें ब्लेस करके, तो वो छोटे से तो साड़ी के पल्ले के अंदर ही होते, तब छोटा सा पेंडेंट वो शीशे टूटे हुए खिड़की के टैक्सी के, उसको उनको कहाँ से वो दिखाओगा पेंडेंट, अगर दिख भी क्या होगा, हाउ डिड ही नो दैट दिस वॉज आ गुरु जी। एंड आई हैव नेवर सीन हिम एंड फॉर 21 days आई वॉज देयर इन द हॉस्पिटल। एंड ही ऑफ कोर्स सॉरी आई एम जंपिंग, वो हमें ले गए हॉस्पिटल ले गए, वहां पे ही वेटेड डॉक्टर टू कम। एंड वहां मेरे से चला नहीं जा रहा था, व्हील चेयर मंगवाई उसमें वो करके, देन फिर पूछे उन्होंने कि कुछ और कर सकते हैं, मैंने कहा प्लीज जस्ट लेट द वन ऑफ द गार्डियंस कम बच्चों के, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं फेंट हो रही हूँ अनकॉन्शियस, कि इनको बच्चों को कौन देखेगा, तो प्लीज इफ यू डोंट माइंड। तो वो बेचारे ने वो भी कर दिया। फिर लकीली एक हमारे पुराने नेबर्स थे वो पहुंच गए, तो मैंने उनसे कहा कि आप इनका नंबर प्लीज ले लीजिए, वी विल थैंक हिम प्रोफ्यूसली लेटर। तो यू नो जो हॉस्पिटल में फिर आई हैड टू स्टे 21 days, मेरी सारी रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी, ऑल हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड ये शोल्डर बोन भी टूट गई थी, इतना सब हो गया था। एंड इट कुड हैव बीन फेटल फॉर 72 hours, दे केप्ट मी अंडर ऑब्जर्वेशन। रिब्स जब वो होती हैं तो वो फ्रैक्चर, तो वो डर होता है कि लंग्स ना पंक्चर हो जाए, इतने सो मेनी वाइटल ऑर्गन, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, ये वो। तो बट गुरु जी तो देखने वाले तो कहाँ कुछ होने देते, तो बिल्कुल सब वो ठीक रहा। तो बट एनीवे 21 दिन वहां रहे, तो वो जितने दिन हॉस्पिटल रहे तो भाई और मेरा बीच वाला ब्रदर वो ट्राई करता रहा नंबर इनके इनका जजमेंट का टू थैंक हिम, तो आउट ऑफ रीच आता था। एंड फिर 1.5 महीने बाद उनका जाके मिला, तो वो किसी ने उठा ना क्योंकि nobody of this name lives here। अब ये दिखाइए वो जो FIR लिखी हुई है उसमें भी there is a name and an address, and जब वो फोन किया ना एंड फोन नंबर एंड दे सेड, तो वो तो साक्षात गुरुजी ही शायद आ गए थे बचाने के लिए, क्योंकि और तो कुछ समझ ही नहीं आता कि और कैसे वो आई मीन हाउ डज वन एक्सप्लेन हु दिस जेंटलमैन वाज, मतलब he just disappeared into thin air. I remember the face, but I've never seen him again. तो ऐसे गुरुजी ने ऐसी problems में से निकाला है हमें। और गुरुजी की जो blessings थी वो पूरी family के लिए थी, पूरी extended family के लिए, even
आ हेल्प द सर्वेंट्स द कुक्स। अब जब गुरु जी एक दफे दूसरी दफे वो मैं बताऊंगी, अभी दूसरी दफे हमारे घर उन्होंने चरण रखे, तो हमारा जो कुक था वो 14 साल से हमारे पास था, तो उसके फादर को टीबी हो गई थी। तो ही वॉज इन मूलचंद हॉस्पिटल, एंड एक दिन वो डॉक्टर ने कहा कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, अब यू टेक हिम होम, अब यू नो ऑल मेडिसिन कुछ अब वो नहीं है, अब घर ले जा। उसके नेक्स्ट डे गुरु जी ने चरण रखे थे, तो उसने मेरे से परमिशन ली कि मैं प्लीज गुरु जी के पास अपने फादर को मिले, जरूर बिल्कुल गुरु जी तो जरूर ले आना। तो ही वॉज सो वीक दैट ही हैड टू बी यू नो सपोर्टेड बाई 3 पीपल, इधर से उधर से पीछे से, तो सब पकड़ के लाए, गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। फिर आप ये मानिए कि वो 14 साल वो रहे उसके बाद में, ही वॉज अ नेपाली जेंटलमैन, एंड वो पेड़ तक चढ़ते थे, कहां तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये तो अब आप घर ले जाइए, इनका कुछ नहीं हो सकता, एंड ही लिव फॉर 14 ईयर्स आफ्टर दैट एंड पेड़ चढ़े। अब ऐसे एक हमारे जब ये माय हस्बैंड व्हेन ही वेंट टू कश्मीर, तो ये बच्चों की पढ़ाई के मारे हम नहीं गए थे, हम दिल्ली में थे। तो एक दिन शाम को जब मैं गुरु जी के गई, तो गुरु जी ने पूछा कि वहां पे कश्मीर में माथुर का खाना कौन बनाता है, तो मैंने बताया नाम के हरमीत इसका नाम था, एंड जब मैं वहां गई थी कश्मीर, तो मैं उसको गुरु जी का स्वरूप रखा था, तो मैंने कहा था अगर साहब भूल जाए तो जरूर ये जोत जरूर जलानी है और फूल चढ़ानी है। तो वो आई थिंक वो करता होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही मस्ट बी डूइंग इट। एंड तो गुरु जी ने पूछा, मैंने बताया किसका नाम, और उससे एक दिन पहले ही उसका मेरे पास फोन आया था कि उसके भाई को कश्मीर में डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके इसको इसको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो वो मेरे से उसने फोन करके पूछा कि आप इतनी गुरु जी की वो करती हैं, तो मेरे भाई के लिए भी कुछ करवा दीजिए। जब अब मैं और मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं गुरुजी से कैसे पूछूं, और जब गुरुजी ने ये पूछा कि खाना कौन बनाता है, इट वाज लाइक ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हिम, और मैं इतनी खुश में कहा गुरुजी ऐसे है कि वो उसके भाई को ऐसे, हाँ कोई नहीं बुला ले यहाँ। वैसे व्हेन ही गेव अस सम डे आई थिंक एक हफ्ते के बाद का, एंड फिर वो आया और उसको गुरुजी ने ब्लेस किया। तो गुरुजी की कृपा तो इतनी मतलब पूरी, इतनी पहले एक दफे एक भी जगह जाता है तो कितने सारे जो भी कांटेक्ट में है सब पे वो अपनी कृपा बरसाते हैं। मतलब इमेजिन वो कश्मीर में बैठा हुआ है उस पे भी गुरुजी ने इतनी कृपा करी। तो जैसे कोई कहता कि नहीं गुरुजी बिल्कुल ऐसे वो इलीट का वो करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, गुरुजी तो सबके लिए थे, वो तो सबका सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते थे। वो जब कभी कभी हमसे कहते थे कि सो एंड सो को ले आए, तो वो इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि अपना वो कुछ उनपे वो करें, नहीं वो तो ब्लेसिंग्स अपनी देना चाहते थे। वो जब भी किसी का नाम लेके कहते थे तो वन रियलाइज लेटर मच लेटर कि वो जरूर उनको कुछ ना कुछ जरूरत होती थी, उन लोगों को कोई आइदर हेल्थ प्रॉब्लम और सम अदर, मेनली हेल्थ प्रॉब्लम, तो उनको गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स के लिए बुलवाते थे। और जैसे एक दफे वो गुरु जी हमारे उन्होंने कहा हमारे फादर के घर आएंगे, तो उत्तम गुरु जी ने कहा कि रिश्तेदारों ने इकट्ठा कर ली। तो उस वक्त मुझे अजीब लगा कि गुरु जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि रिश्तेदारों ने घर, हमें लगता था जब हमारे भी आए गुरु जी तो मुझे लगा कि ये ना सबसे पहले अपने सारे परिवार को देवर जी सारे नंदे ये वो एंड फ्रेंड्स एंड ये वो, तो बट वो उनका ये मतलब था कि अगर एक जना भी आ रहा है फैमिली पे तो पूरी फैमिली तो ब्लेस हो गई, तो ही वॉन्टेड टू ब्लेस मोर एंड मोर पीपल। तो कुछ कुछ चीजें तो हमारे गुरु जी के बाद में समझ में आई कि गुरु जी के वो ऐसा क्यों कहते थे। तो उनका ये था कि एक से पूरा वो तो परिवार तो ब्लेस हो ही गया, अब और भीड़ इकट्ठी करने से पहले और नए लोगों को बुलाओ, और उनका सिर्फ एम ये था कि टू ब्लेस एज मेनी पीपल एज ही कुड, और कोई वो नहीं था। तो गुरु जी के तो एंडलेस सत्संग है, एंडलेस। But I just want to share some learnings. I mean, हम तो बहुत छोटे हैं, हमें तो बेअकल है, कुछ बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मगर जो कुछ थोड़ा सा समझ में आता है कि गुरुजी जो जो गुरुजी ने हमें डायरेक्टली कहा या जो कुछ हमें थोड़ा सा समझ में आया, that if I would like to share,
गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई कभी किसी को उन्होंने डिस्करेज ही करते, कोई फास्ट रिचुअल इन सब चीजों में नहीं बिलीव करते थे। और वो सिर्फ जैसे मुझे तो उन्होंने सिर्फ कहा था कि मंत्र जाप 8 दफे करिए और शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ने को कहा था। वो भी देखिए इट इज सो रीजनेबल, मतलब इट बेरली टेक्स, समटाइम्स इट टेक्स 2 मिनट, समटाइम्स इट टेक्स 5 मिनट। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत रिचुअलिज्म में या बहुत पाठ में बिलीव कर रहे हैं, तो इतना करते थे, कहते थे कि जो बड़ा इजिली अचीवेबल था। तो वो सिर्फ वो शिव पुराण 8 दफे, हम सबको पता है कितना थोड़ा टाइम लगता है, बट वो उनका जो गुरु जी का जो जो फिलोसफी थी वो एक वे ऑफ लाइफ थी। वो ये कहते थे अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। तो ये देखिए ये कितनी कंप्लीट रिलीजन है, मतलब अगर हम ये ऑब्जर्व करने लगे तो हम सब कितने डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स हो जाए, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। वी हैव बिकम सो मटेरियलिस्टिक, सो सेल्फ सेंटर्ड। हम अच्छे इंसान तो पता नहीं शायद अब बहुत ही कम रह गए, मतलब अगर अगर हम अच्छे कर्म करें, हम अच्छे विचार रखें, अच्छी वो करें दूसरों के लिए, दूसरों का सोचें, दूसरे का भला करें, तो फिर तो देखिए फिर तो कोई क्लैश ही नहीं हो कभी भी। तो गुरु जी की तो बहुत ही ये सिंपल फिलॉसफी और ये कंप्लीट रिलीजन है मुझे लगता है। और वो बिल्कुल कहते थे कि कोई वहम ना करो। और बहुत सारे उन्होंने हमारे चोचले भी छुड़वा दिए, वो मेरा छोटा भाई था वो रिंग्स पहनता था, उन्होंने सब उतरवा दी कि इन सब पे कुछ नहीं होता है। फिर शुरू शुरू में जब गुरु जी के जाना शुरू किया था तो पहले से वो जैसे हम लोग के बहुत वो इंक्लिनेशन होती है कि पंडितों से पूछना, तो वो मुझे तो एक दिन उन्होंने टोका कि पंडिता ने पीछे भज्जी फिर दी है। तो वो उनका ये कहना था कि वन मस्ट हैव कंप्लीट फेथ, यू नो, टोटल फेथ इन हिम। फिर हमने वही किया कि पहले हम कभी वृंदावन जाते थे, कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। गुरु जी ने हमें ये दिखाया कि सब भगवान एक ही हैं। एक दफे उन्होंने हमारे बेटे को दर्शन दिए, उसको ये दिखाया को बुला रहे हैं बड़े मंदिर और ये जा रहा है, तो आगे आगे गुरु जी जा रहे हैं, पीछे पीछे ये है। और गुरु जी ने इसको अपना विराट रूप दिखाया, एकदम से वो इसके आगे आगे चल रहे हैं, बड़े 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 होते गए। और फिर वो गुरुजी शिवजी में बदले, और ऐसे जैसे रिवॉल्विंग स्टैचू होते हैं, ऐसे पहले शिवजी का रूप दिखा, फिर हनुमान जी का, फिर गणेश जी का। तो वो सबसे यही दिखा रहे थे कि सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं और मगर भगवान तो एक ही है। तो अब हमारी सब पूजा तो उनसे शुरू होती है, उनसे खत्म होती है, हमारे लिए तो सब कुछ अब गुरु जी ही है। ऐसे एक दफे मम्मी भी हमारी जब शुरू शुरू में जाने शुरू हुआ था, उन्हें बहुत साईं बाबा का में फेथ हो उन दिनों में था, तो गुरुजी ने उनको ऐसे दिखाया कि गुरुजी और साईं बाबा मर्ज हो रहे हैं एक एक के अंदर एक। तो वो सब ये इन सब उनसे हमें हम कन्विंस हो गए कि गुरुजी जो है वो अपरंपार, सब ऑल इन ऑल, वो सब ही इज गॉड, ही इज गॉड फॉर अस। अब शिवपुराण में लिखा है ईश्वर के रूप गुण नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना मनन है, महादेव जी के नाम का बराबर जप करना कीर्तन है, दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उस चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर श्रवण और कीर्तन कर लें तब और उसका मनन करें जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। गुरुजी हमसे यही करवाते थे, जब वे मंदिर में पहले शब्द सुनवाते थे, बड़े सब सबको बिल्कुल क्वाइटली सब सुनना पड़ता था, फिर वो हमारे से कभी कभी एक्सपीरियंसेस शेयर करवाते थे। इन सब के जरिए हम कीर्तन श्रवण मनन करते थे और यही सत्संग की सिग्निफिकेंस है, यही अहमियत है। और सत्संग जो है वो ब्लेसिंग है, बहुत जो जो दे रहा है उसके लिए भी और जो सुन रहा है उसके लिए भी। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग विच वी मस्ट रियलाइज एंड अंडरस्टैंड। और हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें शब्द और सत्संग के थ्रू हमें बहुत अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनके प्रसाद के थ्रू है।
अब ये चीज हमें, मैं अपना बता रही हूँ कि बहुत देर में समझ में आई। जैसे एक दफे गुरुजी ने हमें शिवरात्रि पे बुलाया बड़े मंदिर, आई फॉरगेट व्हिच ईयर, आई थिंक 2002 था कि ऐसे था कुछ। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर आई शिवरात्रि पे। अच्छा, अब हमारी मदर इन लॉ ने शादी के बाद से शिवरात्रि का व्रत रखवाया था, तो वो कहती थी कि अन्न खाना उस दिन पूरे दिन और नमक नहीं खाना। तो जब गुरुजी ने वहां, बहुत थोड़े से लोग थे तो हम वहीं बैठे थे उनके पास में, तो उन्होंने मेरे से इशारा करके बुलाया, फिर कहा कि जा लंगर खा गया। तो मैं बाहर गई तो वो बहुत बढ़िया प्रसाद, पूरी आलू और बहुत सारी चीजें थी, और वो सब। अब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे वो अपनी मदर इन लॉ का ध्यान आ रहा कि वो तो उन्होंने मना किया हुआ है। तो मैं फिर चुपचाप आके बैठ गई, मैंने सोचा कि गुरु जी को तो नहीं पता चलेगा। फिर उन्होंने फिर उठाया कि लंगर खादा, मैं फिर भी कुछ कह नहीं पाई, फिर बाहर आ गई। फिर मैंने दूसरी दफे में देखा कि बेर बेर भी थे प्रसाद में, तो मैंने कहा चलो बेर खा लेते हैं, बेर गुरु जी की बात रख लेते हैं गुरु। तो फिर भी वो नहीं समझा कि मुझे वो प्रसाद लेना चाहिए, और अपना चूज करा कि वो बेर खा लेती हूँ, और बेर खा के कुतर के फिर आके बैठ गई। अब गुरु जी को तो आई एम श्योर तीसरी दफे उन्होंने मेरे से नहीं कहा, मगर उन्हें तो सब दिख गया था। इट टुक मी इयर्स टू अंडरस्टैंड दैट प्रसाद इज प्रसाद, नॉट टू क्वेश्चन के मीठा है, नमकीन है, प्याज है, वो है फलाना ढिमका। ये आई रिमेम्बर 2013 या कुछ ऐसे, फिर से शिवरात्रि में हम बड़े मंदिर में बैठे थे, और फिर मैं वो प्रसाद आ गया वो थाली लेके, और मैंने सोचा मैं घर ले जाऊंगी, रात को खा लूंगी। तो एक मेरी फ्रेंड पास में बैठी है, उसने कहा शिवलोक में बैठी हो और ये पूछ रही हो कि मैं लंगर प्रसाद दिन में खाऊं कि रात को खाऊं। तो तब मुझे इतनी उसने कन्विक्शन से कहा कि मुझे लगा कि मैं देखो कितनी, मतलब उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरु जी ने रिपीटेडली कहा था। और मैं थर्सडे का व्रत रखती थी, तो एम्पायर स्टेट में वहां भी ऐसी बेवकूफी करती थी कि वो, और बड़ी खुश होती थी कि देखो गुरु जी थर्सडे को मेरे लिए खासतौर पर मीठा रखते, थर्सडे में विष्णु जी का होता है तो उसमें नमक नहीं खाते, तो मैं बड़े मजे से फुल्का जो था वो उससे खा लेती थी, मीठी जो भी खीर था, लड्डू जो भी मीठा होता था। बट इट टुक मी सो मेनी इयर्स टू अंडरस्टैंड कि मैं कितनी गलत थी, कि प्रसाद है वो, ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की ब्लेसिंग उसके वो है। और मुझे आज तक अफसोस है कि मैंने गुरु जी की वो कहना नहीं माना, कि उन्होंने इतना मुझे जब दो दफे उठा के भेजा फिर भी मैं नहीं समझ पाई। तो इससे हम लोगों से बहुत बहुत भूल हुई है, मगर गुरु जी ने तो हमेशा आई थिंक हमें माफी किया है। वो सब सब देखते हैं, सब समझते हैं, उनको सब पता है कि ये कितना कितना। तो हम लोगों को बहुत बहुत चीजें बहुत बहुत टाइम पे समझ में आई है, बट अब हमें ये वाली चीज, अब मेरे हमारे दिमाग में कुछ ऐसी वो वहम वहम नहीं है। अब जब भी, जब कोई भी व्रत हो, कोई भी कुछ हो, जब भी मंदिर जाते हैं जो प्रसाद है, बाकी दिन भले ही अपने घर में कुछ भी कर लिया, मगर जब प्रसाद है तो वो प्रसाद है, चाहे नवरात्रि है, चाहे वो सावन का सोमवार है, चाहे कुछ भी है पूर्णमासी, बट सब गुरु जी के वहां जाके फिर हम वो प्रसाद को प्रसाद की तरह लेने। मैं इतने सालों बाद समझ में आया, उसने गुरु जी से मैं आज भी माफी मांगती हूँ कि मुझे उसमें बहुत टाइम लगा गुरु जी की वो बात समझने में। अब गुरु जी जो वहां पे फायर स्टेट में छोटे मंदिर में, बहुत ही अच्छा लगता था। इतने, एक तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, और फिर भी मतलब वो तो पूरा भरा होता था, नीचे भी ऊपर भी, और लेकिन बहुत शांति होती थी बहुत ही, और गुरु जी इतने प्यार से सब वो करते थे, बहुत ही अच्छा लगता। बहुत उसको रिक्रिएट करना तो बहुत मुश्किल है, तो और अपने हाथ से गुरु जी कड़ा प्रसाद देते थे, फिर उसके बाद इतना वो डिवाइन लंगर और कड़ा प्रसाद इतना सारा होता था कि वो उनका एक हाथ और हम दो हाथ में भी नहीं वो समाता था। बहुत अच्छा लगता था, तो चाय प्रसाद मिल रहा है, फिर लंगर इतना डिवाइन, और बहुत शांति होती थी, मन ही नहीं करता था उठने को। और फिर जब लंगर प्रसाद के बाद एक एक करके गुरु जी उठाते थे भेजते थे, तो हम छुप जाते थे किसी कोने में कि थोड़ा देर और गुरु जी के पास बैठने को मिल जाए, एंड ट्राई टू अवॉइड मीटिंग इज आए। बट फिर कभी कभी गुरु जी हमारे को बड़े मंदिर ले जाते थे, फिर दो दफे चंडीगढ़ ले गए, तो बहुत इलैबोरेट, इतना केयरफुल अरेंजमेंट करते थे,
पूरी 30-40 गाड़ियों का इंतजाम सारे साथ में, और पर्सनली सुपरवाइज करते थे कौन कहाँ बैठेगा, और बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल वर्ल्डविंड ट्रिप्स होते थे। तो कभी एक दफे तो वेडिंग थी, एक दफे सत्संग थे, और आते जाते इतना एलैबोरेट इंतजाम, बिल्कुल पहले सुबह सुबह बुलाते थे 5:30 बजे छोटे मंदिर, और वहां पे फिर सब असेंबल होते थे चाय पी के। फिर एक दफे तो मुझे ध्यान है कि पिपली के गेस्ट हाउस में गुरुजी ने ब्रेकफास्ट का इंतजाम करवाया था, तो वो सब कार चल रही थी, तो कोई 1 किलोमीटर दूर से ना सडनली बड़ी बढ़िया रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही। अब हाईवे पे जा रहे हैं, अपने हस्बैंड से कहने की ये कहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है, तो देखा तो आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे गुरुजी खुद गेट पे खड़े हुए, तब के टू स्टॉप एवरीबडी के, कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे तो हो ही जाती थी गाड़ियां, तो खुद सबको वो अंदर बुला रहे थे, और इतना बढ़िया प्रसाद का वो करा था। फिर वापसी में भी इतना, और इतना मतलब मुझे समझ नहीं आता आप तो कि कैसे इतना कितना खिलाते थे और इतना हम खा भी लेते थे, फिर वहां भी चंडीगढ़ में भी इतना एलैबोरेट, फिर वापसी में भी वो एक अहूजा ढाबा बड़ा गुरु जी का फेवरेट था, तो वहां पे उन्होंने वहां भी कुछ खिलवाया इतना सारा बहुत, एंड इतना मतलब बढ़िया तरह से इंतजाम करते थे, उनको सबका सब पता था कौन कहाँ रह रहा है। वापसी में जो वहां से पूजा ढाबा से उसी उसमें ऑर्डर में बिठवाते थे कि जो जिस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक दफे ऐसे मेरे मन में आया कि हमारी जॉइंट फैमिली थी कि मुझे कभी ना ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था ऐसे हस्बैंड के पास बैठने का, तो पता नहीं क्यों, और उसके बाद ही गुरुजी हमें ले गए थे, तो ऐसे गुरुजी ने एक दफे तो इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया, एक लग्जरी कार में सिर्फ हम दोनों ही थे, तो इतनी जल्दी पूरा 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 कर देते थे गुरुजी जो मन में इच्छा आई। मतलब इट वॉज सच अ स्टूपिड सिली थिंग, बट मेरे मन में ऐसे आया कि अरे बहुत दिन हो गए हम आराम से दोनों नहीं बैठे, तो वी गॉट दिस चांस बोथ वेज के, इतनी मजे से वो वी हैड दिस टाइम टू आवरसेल्फ एंड लवली शोफर ड्रिवन कार, तो बहुत गुरुजी बहुत बहुत ध्यान रखते थे ना? और वो बस वो लंगर के टाइम तो ये इंसिस्ट करते थे कि फैमिली के साथ नहीं, सब और दूसरे सबके साथ में बैठे, तो जिनके साथ भी बैठते थे अपने हम सारे शेयर करते थे, एक्सपीरियंसेस करते थे, तो वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। पहले तो वी वर अ लिटिल स्क्वीमिश, समझ में नहीं आता था कि कभी ऐसे खाया नहीं था लंगर प्रसाद ऐसे इस तरह से बैठ के किसी और के साथ, तो हम चाहते अपने फैमिली के साथ ही बैठे, गुरु जी ने ये समझ में आया कि नहीं, ही वॉन्ट्स अस टू मीट अदर पीपल, इसलिए कह रहे हैं, और अपने अपने दुख सुख सब हम शेयर करें इसलिए। तो धीरे धीरे बहुत चीजें समझ में आई, वी रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दैट, तो उनकी तो बस भरपूर ब्लेसिंग्स ही मिलती थी हर लंगर प्रसाद के थ्रू, उनकी ब्लेसिंग जो अब अगर कभी कभी वो सेवा दे करने को मौका देते थे। मुझे तो बस एक ही दफे याद है कि उन्होंने अपने हाथ कहा कि दबा दे, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मेरे को आता ही नहीं था, मैं देखती थी और सब लोग बड़े प्रोफेशनली कर रहे हैं, उन्हें शायद पावर पॉइंट प्रेशर पॉइंट सब पता होंगे, तो और कुछ जी के हाथ इतने सॉफ्ट थे, मन भी नहीं कर रहा था कि ज्यादा जोर से दबाए, तो मुश्किल से पता नहीं 5 ही मिनट मैंने किया होगा, और गुरु जी ने एकदम से उसमें कहा कि क्या तेरा कल्याण कितना, तेरे स्टीरोइड बंद करवा दिए। मतलब ये देखिए कि कितनी असीम कृपा, मतलब मैंने कभी बच्चों के इतने प्रॉब्लम थे कि मैंने कभी भी गुरु जी को नहीं बताया कि मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था 20-25 साल से पहले से, और विंटर्स में तो 2-2 दफे स्टेरॉइड के कोर्स लेने पड़ते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ती थी, कभी भी नहीं जिक्र किया था, मगर उन्होंने पता नहीं कैसे एकदम से कहा, और सच्ची में मुझे वो स्टेरॉइड नहीं लेने पड़ते, मतलब कभी कभी जरूरत पड़ती तो नेबुलाइजर है या पफ है वो कर लिया, मगर ऐसी गुरु जी की कृपा, ऐसी मतलब इतनी, तो वो जब हमें पहले शुरू शुरू में लगता था कि अरे गुरु जी सेवा करवा रहे हैं, ये किसी किसी को कहते थे कि चरण दबाने के लिए, तो मगर वो तो हमारे लिए वो ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि वो हमें ब्लेस करना चाहते थे, जिससे भी जिसको भी ब्लेस करना चाहते थे उनसे, उन्हें कोई हमारी जरूरत थोड़ी थी, वो भगवान, बट वो हमें हमें एक मौका दे रहे थे सेवा करने का, जिससे वो हम पे अपनी कृपा बरसा सके, तो ऐसा 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 गुरुजी का वो था।
फिर एक दफे मुझे याद है कि गुरु जी ने कुछ कहा कि बिटिया के लिए कि वो लेके आना, लोटा लेके आना, जिस दिन हम गए थे उससे नेक्स्ट डे के लिए कहा कि नेक्स्ट डे थर्सडे था आई थिंक, आई तो फ्राइडे को लेके आना। तो मैं कहा ठीक है जी गुरु जी। अब बाहर निकल के आ गए तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, अरे गुरु जी को कहा नहीं कि कल तो मेरे साथ चल रही हो जयपुर, तो ये टूर पे जा रहे थे, और वैसे तो कभी भी नहीं मैं साथ जाती, बट उस दफे पता नहीं कुछ स्पेशल कुछ था। तो उन्होंने कहा था कि चलो वीकेंड आ रहा है तो तुम्हें भी छुट्टी की मुश्किल नहीं होगी तो मेरे साथ चलो। तो फ्राइडे को दोपहर में स्कूल के बाद हम निकल रहे थे, तो हमने कहा नहीं गुरु जी थे अंडरस्टैंडिंग के, चलो। फिर हिम्मत करके फिर वापस आज्ञा ले ली थी, फिर वापस कहे कि गुरु जी अगर आप परमिट करें तो हम कल जयपुर जा रहे हैं, फिर संडे को अगर आप बुरा ना माने तो हम संडे को फिर आ जाएंगे, कल नहीं आ पाएंगे। तो गुरु जी ने अपना हाथ हिला दिया ऐसे जैसे डमरू की जैसे। तो हमने सोचा कि चलो गुरु जी की इजाजत मिल गई है, तो हम ये सोच के चले गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पता चला कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, बिकॉज एक और जो ऑफिसर जिनको जाना था ही लॉस्ट हिज मदर इन लॉ, तो द थिंग वाज कॉल्ड ऑफ, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। तो फिर शाम को हम गुरु जी के पहुंच गए, हमने सोचा रे गुरु जी ने तो कहा ही था और चलो फिर अब उनकी बात रख लेते हैं। तो जब गए तो गुरु जी ने बहुत जोर का डांटा, बहुत जोर का डांटा, और ये मतलब इतना डांटा कि मेरे आंसू निकले, मुझे शर्म आ रही कि सबके सामने डांट रहे हैं। तो उनका महापुरुषों की बात नहीं काटते हैं, बट गुरु जी इतने फॉरगिविंग, उस वक्त तो खूब कस के डांट पड़ी मगर इतने फॉरगिविंग थे, इतने फॉरगिविंग, मतलब उन्होंने डांटा बट डांट भी तो ब्लेसिंग ही थी। उन्होंने इतने एकदम से उसके नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि लोटा उस वक्त नहीं ब्लेस किया, अगले दिन बुला के कहा कि 2 दिन बाद मैं घर आऊंगा, फिर मैं घर आके अदिति को ब्लेस करूंगा। मतलब देखिए कितने फॉरगिविंग, मतलब मैंने उनकी बात काटी, हमने उनकी बात काटी, उन्होंने एक सिंपल कहा था और विच एक्चुअली हैपेंड, नहीं जा पाए, नहीं बना प्रोग्राम, मगर हम बेवकूफी में अपने को पता नहीं क्या, मतलब उनकी इशारा नहीं समझ पाए, एंड सेल्फिशली वी सेड कि नहीं हम वो होके फिर आपके फ्राइडे नहीं, वो फ्राइडे बुला रहे हैं, हम संडे आएंगे। तो इतनी गलत गलत हमने काम करे, तो वो फिर बट वो उन्होंने बिल्कुल माफ कर दिया इतना उन्होंने। और फिर वो जो दूसरी दफे जो मैं आपको बता रही थी वो सर्वेंट को ब्लेस की, तो दूसरी दफे आपके घर पे उन्होंने ब्लेसिंग की, मतलब इतने फॉरगिविंग थे, कुछ वो डांटा जरूर मगर उनकी डांट में तो उनकी वही था, ब्लेसिंग ही थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। एक दफे क्या हुआ, मैं छोटे देवर ही वाज ओनली 51, तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ एंड ही पास अवे। तो जब वो उनको हार्ट अटैक हुआ हॉस्पिटल में थे, हस्बैंड हमारे गए, तो मैं गुरुजी से प्रे करती रही करती रही करती रही, मुझे लगा कि तू बच जाएंगे, गुरुजी तो सब बचा लेते हैं। अब बट ही दिन सर्वाइव। तो जब 3-4 दिन बाद वो सब कुछ हो गया तो हम छोटे मंदिर गए, तो मैं बहुत अपसेट थी, मैं अपना ऊपर उस दिन ऊपर जाके बैठे हम पैरिस छोटे मंदिर में, तो वहां पे वो शब्द बज रहा था जिंद मेरी मिट्टी की ढेरी एक दिन चलना है। तो वो इन अ वे ही वाज ट्राइंग टू टेल मी कि दिस इज लाइफ, तो वो सब आया, बट आई स्टिल केप सॉबिंग, आई सेड के गुरु जी आपने उनको क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया। सारा टाइम आई केप्ट यू नो सेइंग दैट टू माई सेल्फ। तो जब नीचे आज्ञा लेने आए तो इतनी जेंटली गुरुजी ने कहा बस माथुर आंटी बस। अब मतलब वो मुझे कंसोल कर, मतलब उतना उनका कहना काफी था कि मुझे समझ में आया कि इट वाज नॉट टू बी। अब हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, दुख सुख सब कुछ है, सब कुछ है, बट गुरुजी फिर हमें शक्ति देते हैं उस सबको बेयर करने का। मतलब वो ही वाज ओनली 51, आई वाज थिंकिंग ऑफ द फैमिली, बच्चे छोटे, तो वो बट वो मतलब वो मुझे ये बताना चाह रहे थे कि ये सब तो सबके साथ चलेगा, बट उनकी ब्लेसिंग्स इतनी हमेशा साथ में होती हैं कि वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ ऐसे ना सॉर्ट आउट होता रहता है। तो ऐसे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया है।
अब एक और आई थिंक टाइम होने वाला है, बस मैं एक और बताना चाहूंगी, माय मदर की भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था एकदम से 2000 आई थिंक, तो उनके टेस्ट वगैरह जब सब हुए अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी फॉरेन सर्जरी होगी। तो उसी दिन शाम को गुरुजी के पास में गई, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी को बताया है, तो तुमने कहा नहीं कोई चिंता की लोड नहीं है, कटवा दो। एंड बिल्कुल वही हुआ फिर, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कहा कि इमिजिएट सर्जरी, तो यहाँ पे एम्स में टाइम लगता सब बुकिंग वुकिंग कराने का, तो हमारे जो भाई जो डॉक्टर है उसने कहा कि मेरे पास वहां पे लुधियाना ले आओ, मैं वहां पे सब जल्दी करा दूंगा। तो फिर नेक्स्ट डे मम्मी चली गई थी उनकी, फिर वहां सर्जरी हुई। तो हम लोग सर्जरी सुबह मतलब नेक्स्ट डे चलेगी, तो उसके नेक्स्ट डे सर्जरी थी, तो हम लोग सर्जरी के टाइम ही थोड़ा ठहर के पहुंचे, तो छोटा भाई था मम्मी के साथ में, तो जब उनकी सर्जरी हुई थी तो वो कमरे में बैठ के उसके मन में आया कि मैं मंत्र जाप करता हूँ। तो ये मंत्र जाप करना, गुरु जी का छोटा सा स्वरूप रखा था उसने साथ में अपने पॉकेट में, तो वो उसने सामने रख के वो मंत्र जाप करने लगा, और उसको ऐसे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि गुरु जी कह रहे हैं कि ये जोर जोर से कर, मुझे आराम मिलेगा। ऐसे उसको दिखा कि वो स्वरूप में से उनके गुरु जी के आर्म्स ऐसे निकल आए, तो ये जोर जोर से करने लगा। अच्छा फिर ये शायद अगले दिन ही वापस आ गया दिल्ली, एंड फिर जब मम्मी का वो एनेस्थीसिया का एक आध दिन तो वो रहा, फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया कि गुरु जी देखिए कितने ओमनीपोटेंट, कितने ओमनीप्रेजेंट हैं। उन्हें उन्हें दिखाई दिया कि गुरु जी जितनी देर उनकी सर्जरी हो रही थी गुरु जी ने उन्हें गोदी में उठा रखा, और मतलब इधर भाई को कहा कि मेरे कंधों को दबा दे, मतलब मंत्र जाप करोगे तो मेरे कंधे पे वो पड़ेगा, आराम मिलेगा। तो दोनों चीजें फिर हमने वो साथ में वो करके देखी, तो देखिए कि गुरु जी वाकई में, और उनको वो ड्रीम में दिखाया, तो ऐसे गुरु जी का कमाल है। तो हमेशा हर पल में, हर मुसीबत के पल में गुरु जी हमारे पास थे। और मम्मी का तो इतना वो था कि उन्हें कीमोथेरेपी की नहीं जरूरत पड़ी, जैसे गुरु जी ने कहा था उनका वो सर्जरी जरूर हुई मगर कीमोथेरेपी की नहीं जरूरत पड़ी। एंड तो अभी शी जस्ट पास्ट अवे अभी 1.5 साल पहले, तो यू नो दैट इज ओल्ड एज, वो तो यू कांट दिस थिंग। तो ऐसे गुरु जी ने बहुत सी, और एक लास्ट एक आई थिंक 2019 में शिवरात्रि से कुछ 10 दिन पहले गुरु जी ने दर्शन दिए, और गुरु जी कहने लगे कि शिवरात्रि के दिन मंदिर में पोहा बनाए। तो मैं एक दिन दो दिन तो सोचती रही कि मैं मंदिर अब शिवरात्रि पे या और फंक्शन पे इतनी इतनी भीड़ होती है कि कैसे हो पाएगा, मतलब किससे बात करूं, और इतने मैंने देखा इतने बड़े बड़े डेग होते हैं, इतने बड़े बड़े वो इतने लोग होते हैं, तो कैसे करूं मैं। तो मैं ये सोच ही रही थी, और फिर मैंने अपने ये छोटे वाले ब्रदर से शेयर किया कि ऐसे ऐसे मुझे दर्शन में दिखा, ऐसे दर्शन दिए गुरु जी ने और ऐसे कहा है। तो मैंने कहा अरे सॉरी गौरव अंकल से बात करो, कि गौरव अंकल से जिक्र करके पूछो कि कैसे करना है। तो फिर मैंने गौरव अंकल से बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, आप इधर आ जाना 11:30 बजे और गुरु जी के वहां पे बनवा देंगे किचन में, आप 8-10 लोगों का बना दीजिए, वो सेवादार को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं कि ठीक है जी गुरु। तो फिर उस दिन फिर देर हो गई थी, तो मैंने भाई को वापस नहीं फोन किया। उस दिन रात को गुरु जी ने भाई को दर्शन दिए और उससे कहा कि बहन को कह देना कि 200 लोगों के लिए सिंगल हेल्पिंग पोहे की बनाएगी बड़े मंदिर में। मतलब इतने गुरु जी स्पेसिफिक थे, है ना, कि उन्होंने सोचा कि ये कंफ्यूज हो रही है क्या करना है कैसे करना है, तो इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, इतने इतने स्पेसिफिक कि बस फिर तो क्या था, फिर मैंने फिर नेक्स्ट डे फिर गौरव अंकल को कहा कि नहीं ये गुरु जी ने ऐसा मैसेज दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैसे शायद पहले 12 बजे का, तो मैंने 11:30 आ जाना और वो हो जाएगा सब यहाँ पे होगा। तो आप मैंने कहा नहीं, मैं गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है तो मैं ही सारा वो सामान लेके आऊंगी। फिर पूरे परिवार ने हमने मिलके उस दिन वहां पुआ, तो इतना इट वॉज सच ए डिवाइन एक्सपीरियंस। और गुरु जी को मतलब उससे मेरे से सेवा करवाने का क्या पॉइंट था कि
मतलब आई थिंक ही वांटेड टू ब्लेस मी, कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या कष्ट मेरे उन्होंने टलवाए। ये इतना तो जरूर होता कि सितंबर में उसी साल मैं जनपद पे गिर गई थी, तो इट कुड हैव बीन फेटल ऑन द मेन रोड, आई जस्ट फेल डाउन, बट मेरे दोनों सिर्फ रिस्ट फ्रैक्चर हुई थी। तो ऐसी गुरु जी की असीम कृपा है कि पता नहीं कितने कितने हमारे कष्ट टलवा देते हैं, ऐसे ऐसे उनकी बहुत ही असीम असीम कृपा। आई थिंक टाइम हो गया मेरे ये बहुत ही प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पाने का, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो दोनों देने वाले के लिए भी और जो जो सुन रहा है उनके लिए भी है। तो हमें बस गुरु जी में अटल विश्वास रखना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट फेथ, और गुरु जी की असीम कृपा हम सब पे बनी रहे, और गुरु जी हम सबके साथ हर पल हमारे साथ होते हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, ऐसे ही सबके ऊपर ऐसी कृपा बरसाते रहिए, और हमें तो भी कुछ गलती हुई हो तो प्लीज गुरु जी माफ कर दीजिए, गलती तो हमने बहुत करी है बट आपने हमेशा क्षमा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, गौरव अंकल का भी, सब ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी।